सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है यार आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि मैंने क्विक न्यूज कवर करी है, थोड़ा सा काम है पर्सनल लाइफ में इस वजह से। बाकी यार मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हो, हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ओवरऑल प्रमोशन ही कर रहा हूँ, खैर और क्या। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं रेड आउल गेमिंग के साथ। तो आफ्टर जॉइनिंग ऑफ 420, कल आपको मैंने गेस करने के लिए कहा था कि लास्ट प्लेयर कौन होगा जो आरओ ज्वाइन करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यार बहुत कम गेसेस ही सही थे। एंड वासु ज्वाइन कर चुके हैं रेड आउल गेमिंग को, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। एन आरओ यानी रेड आउल गेमिंग का ऑफिशियल बीजीएमआई रोस्टर कंप्लीट हो चुका है, जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं जीएक्सआर इंडिया के बारे में। तो टीम जीएक्सआर क्वालिफाई कर चुकी है पीएमपीएल अरेबिया में फाइनल शोडाउन के लिए, जो यार बहुत अच्छी बात है इंडियन प्लेयर्स यानी कि जीएक्सआर प्लेयर्स और इंडियन फैंस के लिए। अब बात कर लेते हैं इमॉर्टल के बारे में। तो इमॉर्टल के कंट्रोल कोड और सेंसिटिविटी कोड को ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो एंड ट्राई दे सकते हो जिनको डिफरेंट कंट्रोल ट्राई करने हैं। अब बात कर लेते हैं जाया के बारे में। तो हाल ही में जाया ने बात करी काफी इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में, जैसे ई-स्पोर्ट्स एज अ कैरियर एंड उनको बेस्ट गेमर कौन लगता है पूरी कम्युनिटी में। Excited for Valorant Mobile because I think हमारे कंट्री में majority of the people are mobile gamers, so I think उनके लिए अच्छा होगा, एक नया गेम उनको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, so yeah, I'm excited. गेमिंग में करियर बनाना इज आई थिंक वेरी डिफिकल्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है ये स्पेस में, बट आई वुड स्टिल से कि अगर तुमको सही में करियर बनाना है देन गो फॉर इट, बट स्टिल हैव अ बैकअप प्लान सो दैट यू नो अगर तुम्हारा गेमिंग काम ना करे यू विल हैव अनदर जॉब। सो फॉर मी आई डोंट थिंक देर इज सच अ थिंग कॉल्ड एज बेस्ट गेमर और समथिंग, बट स्टिल इफ आई हैड टू से अ नेम आई थिंक फॉर मी इट वुड बी मॉर्टल बिकॉज ही इज रियली गुड एट प्रोफेशनल गेम्स एज वेल एज कैजुअल गेम्स, सो या। अब बात कर लेते हैं मावी के बारे में। तो रिसेंटली इन गेम मावी जब गेम खेल रहे होते हैं पबजी मोबाइल, तो उनकी आईडी बैन हो जाती है एंड उनके स्क्रीन पर बैन मैसेज पॉपअप हो जाता है जो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। एंड इस पे ही वो थोड़ा शॉक भी हो जाते हैं, फनी भी रिएक्ट करते हैं। पहले लगता है कि यार ये कुछ मिनट्स का बैन है, बट नोवा किंग कहते हैं कि ये 24 आवर्स यानी एक दिन का बैन है। अब बात कर लेते हैं बीजीएमआई के बारे में। तो प्रॉन्टन ने रिसेंटली सिनेमैटिक ट्रेलर के रिगार्डिंग बात करी एंड ये बताया कि उनको भी सुनने में आया कि सिनेमैटिक ट्रेलर आएगा, बट कब आएगा इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और जो भी डेट उड़ते उड़ते आ रही है लाइक 2 दिन में 3 दिन में, तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि कितना सच और कितना झूठ उनको नहीं पता। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो एक सवाल जो अभी तक क्लैरिफाइड नहीं हुआ था वो ये कि मॉर्टल क्या ग्राइंड कर रहे हैं और क्या वो कॉम्पिटिटिव में वापस दिखेंगे। तो हाल ही में कुल द ग्रेट ने लाइव इस पे अपना ओपिनियन दिया एंड ये बताया कि उनके अकॉर्डिंग मॉर्टल इज शाउट का लड़का है एंड वो कॉम्पिटिटिव में रिटर्न भी करेगा। अब बात कर लेते हैं पंक के बारे में। तो पंक ने हाईलाइट चैनल्स पर बात करी एंड ये कहा कि पहले वो अपनी हाईलाइट स्ट्रीम से यार खुद अपलोड कर ले, उसके बाद हाईलाइट चैनल कर लिया करो। अब बात कर लेते हैं विशाल गोंदल के बारे में। तो हाल ही में उनसे जब पूछा गया कि फौजी का जो टीडीएम मोड होने वाला है उसमें वो मेनली किस पे फोकस करने वाले हैं, तो उन्होंने मीडिया को रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि वो गेम के मैकेनिज्म और फिजिक्स पर फोकस करने वाले हैं, लाइक मूविंग और शूटिंग मैकेनिज्म, मूव करते हुए शूट करना, एनिमी पर एम कहां होना चाहिए, अगर क्लोज में है, मिड में है, लॉन्ग है, यानी कि यार ओवरऑल जो रियल लाइफ में फिजिक्स यूज होती है वही इन गेम देखने को मिलेगी। बेसिकली अब जिन्होंने भी एपेक्स लेजेंड गेम खेला है हम ये कह सकते हैं कि एपेक्स लेजेंड गेम में जैसा मैकेनिज्म है उस गेम के अंदर मैकेनिज्म की जो वैल्यू है वैसे ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है फौजी गेम के टीडीएम मोड के अंदर। तो बस यार यही थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और यार मैं भी चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मैं भी चलता हूँ, साइनिंग ऑफ।